जो विगत कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े आए हैं उसके एनालिसिस पे ये बात बहुत क्लियर हुई है भोपाल में कि 90% से ज़्यादा लोग 15 से 55 वर्ष के बीच के हैं और जो वृद्ध लोग हैं वो कम हैं। ये एक अच्छी बात है। हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, खासतौर से जिनको फेफड़ों का संक्रमण है, टीबी है, कैंसर है या कोई इस तरह की अन्य बीमारी है, वे लोग घर से बिल्कुल भी ना निकलें। उसको आप लोगों ने सुना है, उसमें हम लोगों का सहयोग किया है और यही कारण है कि हमारे सीनियर सिटीजन्स को सेफ रख पाए हैं। मैं साथ में ये भी कहूँगा कि जो एक पूरा सफाई का अभियान हम लोगों ने लिया है, जो डीकंटामिनेशन का प्लान बनाया है, उसको कारगर करना होगा जिससे कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि जो वायरस हमारे एनवायरनमेंट में है उसको ख़त्म कर सकें। बाहरी इलाकों में नगर निगम की टीम पूरी तरह से डीकंटामिनेशन करेगी। घरों में हमारी जवाबदारी है कि हम लोग ये कार्य करें। हम लोग घरों में जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम छूते हैं, चाहे रेलिंग्स हों, चाहे बटन हों, चाहे दरवाज़ों के कुंडे हों, इन सबको क्लीन करने की बहुत आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से हम शहर को 7 दिन में डिकंटामिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से घरों को आप लोग प्रयास करेंगे और इसको कारगर बनाएंगे।